So definitely it's very safe, conveniently, centrally located. 10 नंबर बिल्कुल नहीं काट रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। So दोस्तों कैसे हो, माय नेम इज अंकित पांचाल और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और आज मैं आपको यहाँ पे एक स्टे दिखाने वाला हूँ वो भी केवल 500 रुपए के अंदर। तो देरी ना करके आपको दिखाते हैं, आइए। सो गाइस देखो ये है यहाँ पे हमारा स्टे ऑप्शन और यहाँ पे हमारे हैं सुनील सर। हेलो सर, तो जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको सुनील सर मिलेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर बुकिंग्स एंड ऑल आप इनसे बातचीत कर सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के डॉर्मेट्री रूम। पहले मिक्स डॉर्मेट्री रूम, कुछ इस तरह के रूम्स हैं इनके डॉर्मेट्री रूम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लीन है। और ये है हमारा डॉर्मेट्री बेड। तो गाइस देखो अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एक बंदा इजली सो जाएगा। और यहाँ पे आपका एक सेपरेट लैंप दे रखा है, यहीं पे है आपका एक चार्जिंग स्लॉट, यहाँ पे एक पिलो दे रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी देखो एक पानी की बॉटल रखने के लिए यहाँ पे स्टैंड भी बना रखा है। और यहाँ पे है आपका एक ब्लैंकेट। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो वो रहेगा 500 रुपये फॉर अ डे। साथ ही साथ बेड के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे अगर लॉकर का साइज़ देखें तो बहुत बड़ा है, इजली आप अपना सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। कि यहाँ पे अलग से आपको लॉक नहीं लाना पड़ेगा, इनकी कीज़ आपको मिल जाएंगी और आप उसको लॉक करके भी रख सकते हैं। एंड गाइस देखो अब आपको दिखाते हैं यहाँ के वॉशरूम। अच्छी बात मेरे को ये लगी कि डॉर्मेट्री रूम्स के अंदर ही हैं वॉशरूम एंड यहाँ पे आप हाथ वगैरह धो सकते हो। और इधर हैं आपके टॉयलेट्स और सबसे अच्छी बात क्या है, 1, 2, 3, 4 चार आपके टॉयलेट्स हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं सारी चीज़ें एकदम क्लीन है, हाइजीनिक है, प्रॉपर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड दोस्तों देखो यहाँ पे है इनका एक कॉमन स्पेस एरिया, तो आप मैच देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमारे साथ एक ट्रैवलर है, इनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्ते सर। नमस्कार, मैं फिलहाल अभी यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे 10 डेज हो गए हैं जी और मैं इस हॉस्टल से 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे हॉस्टल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक तो मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है, तो जस्ट आप मेट्रो से उतर के जस्ट इजी वॉकिंग डिस्टेंस है, विद इन 200 मीटर्स आप यहाँ पर आ सकते हैं। और सभी बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, खाने का अच्छा अवेलेबल है यहाँ पे और आपको यहाँ से कहीं भी आगे ट्रेवल करना है तो उसके लिए भी ईजी एक्सेस है। इवन तो आपको अगर रेलवे स्टेशन भी जाना है न्यू दिल्ली 15 मिनट्स का डिस्टेंस। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ पैकिंग वगैरह रखी हुई है आपकी। हाँ, ये नीचे यहाँ पे खाने का रेस्टोरेंट है जी, तो बहुत ही मिनिमम रेट में वहाँ पे थालीस अवेलेबल है, विद इन 50-60 रुपीज यू कैन गेट इजी फूड। और ऊपर से आप क्लीनिनेस वगैरह देख लीजिए, मीन्स आपको वाशरूम जो है वो पर्टिकुलरली हर एक डॉर्मेट्री में सबके लिए एक डिफरेंट ही है। ऊपर से अगर मेल फीमेल्स के लिए देखा जाए विद इन विद द पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो इट्स वेरी गुड, आई थिंक देर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो गाइस देखो आपको दिखा दिया मिक्स डॉर्मेट्री रूम, अब दिखाते हैं आपको यहाँ का फीमेल डॉर्मेट्री रूम। सो गाइज दिस इज़ देयर फीमेल डॉर्मेट्री रूम। अगर इसकी बात करें तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा मिक्स डॉर्मेट्री रूम था। और मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स हैं इनसे ही बात करते हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसा है। हेलो मैम। हेलो। तो कब से रुके हुए यहाँ पे और कहाँ से आए हुए बताइए। हम लोग एक्चुअली कल रात को ही चेक इन के, काफी लेट 11-12 बज गया था। हाँ, हम कोलकाता से आए हैं वैसे। हाँ, ऐसे तो हम कोलकाता से हैं बट हम लोग आगरा घूमने गए थे एंड आगरा से वापस दिल्ली आए और हम लोग को एक रात के लिए रुकना था। सो वी फाउंड दिस प्लेस ऑन मेक माई ट्रिप एंड वी बुक्ड इट विदाउट थिंकिंग। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? Till now it was really good. I think location wise Delhi station se yahan pe aane ke liye humko bas 20 minute usse bhi 10-15 minute lage and metro bhi pass mein hai, to location wise and it's quite safe. We were just thinking ki how it will be but it was really good experience so far. And what about the price ma'am? The price was really budget friendly, काफी budget friendly tha. It was around 500. So this was the only place jahan pe 24-hour check-in facility hai. अगर हम लोग कोई भी होटल रूम लेते तो हम लोग को फिर सुबह चेकआउट करना पड़ता है एंड सिंस हम लोग का स्टे ऐसा था कि हम लोग को बस रात को चेक इन करना है और दूसरे रात चेकआउट करना है, उस हिसाब से बस यही एक प्लेस था जो अवेलेबल था एंड जिसके जिसमें सब फैसिलिटीज़ भी थे। एंड वी कॉल्ड बिफोर आस्किंग, वी आर लिटिल स्केप्टिकल बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम है एक डॉर्म एक्सपीरियंस ही हम लोग का, हम लोग ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, हम लोग एक्चुअली ज़्यादा ट्रैवल करते भी नहीं है, सो फर्स्ट टाइम था तो इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस।
बट काफ़ी वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज, काफ़ी अच्छा रहा है। एंड टॉयलेट्स वगैरह क्लीन है कैसा है? बिल्कुल भी क्लीन थे व्हेन वी एंटर्ड, इट वाज एब्सोल्युटली स्पिक्ड स्पैन। यहाँ पे आई थिंक 10 बेड्स है इस रूम पे एंड वन वॉशरूम, बट देन आपको लगेगा नहीं दैट देयर आर सो मेनी पीपल यूजिंग। There are also washrooms outside, like if this is occupied, there's one on the other side that you can always use. And there are a lot of, there are lot many on washrooms. Here it's just one, but if you step outside, there are many that is shared. तो अगर कोई female traveler है, solo traveler, and she is coming from outside Delhi, तो आप उसको recommend करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद सोच रहे थे कि हम खुद यहाँ पे काफी solo travel करेंगे, तो we can stay for a week here. So definitely it's very safe, conveniently. Centrally located and food options भी काफ़ी अच्छे, even if you're a veg, काफ़ी अच्छे options आपको तो मिल जाएंगे। और this is their private room, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ guest हैं, इनसे ही पूछ के बताते हैं इनको कैसा लगा यहाँ पे रुक के। यार हम आए बैंगलोर से। तो कितना प्राइस पड़ा आपको इस रूम का? कितना पड़ा था? 2000। 2000 रुपये पड़ा तीन बंदों का। अच्छा है, कम्फर्टेबल है, मजा आएगा, बेड भी अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। एक्स्ट्रा मैट्रेस का कुछ है जैसे आप तीन लोग हैं एक बेड पे? हाँ, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बेड है बाहर, अगर आप तीन लोग हैं तो बेड बाहर से आपको अंदर एक बेड ले आएंगे और दे देंगे। अच्छा, उसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं? उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, अगर तीन बंदे हैं तो एक बेड। एसी वगैरह लगा हुआ है उधर, और बेड शीट्स आपको दिख रही होंगी कितनी क्लीन है, भाई ने बता दिया, टॉयलेट भी एकदम साफ है। एंड यहाँ पे देखो इन्होंने बना रखी है बालकनी, यहाँ पे आप सनलाइट ले सकते हो थोड़ी बहुत, और यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा सकते हो। एंड गाइज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट हॉस्टल के अंदर दिखाया था डबल डॉमेट्री रूम, तो यहाँ भी हैं डबल डॉमेट्री रूम। इन रूम्स के अंदर ना यहाँ पे देखो ये एक डोर है, इसको आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। तो डबल डॉमेट्री रूम यहाँ के थोड़े से अलग हैं, मतलब कि एक बेड है यहाँ पे नीचे और एक बेड है ऊपर, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैबिन वाली प्राइवेसी मिल जाती है। और बेड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एकदम क्लीन है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे 12 घंटे के लिए रुकना है तो यही जो एक आपको बेड है ना, ये आपको मिल जाएगा 350 रुपीज़ के अंदर। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर और हॉस्टल से अलग है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी। इस हॉस्टल से केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही आपको बहुत सारी घूमने की जगह भी मिल जाएंगी, जैसे कि लाल किला और चांदनी चौक की मार्केट। चांदनी चौक की मार्केट के अंदर आप खाने पीने से लेके शॉपिंग भी कर सकते हैं, और पास में ही जामा मस्जिद भी है, और यहाँ के बाजार की रौनक बिल्कुल ही अलग होती है, तो यहाँ भी जरूर आएं। सो गाइस, देखो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी मैं बैठा हूँ इस प्रॉपर्टी के मैनेजर के साथ। हाय सर। हेलो। हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सर ने बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने में, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शॉर्ट स्पैम और लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, तो आ सकते हैं। हमने काफ़ी सारी अमेनिटीज़ के साथ में कोशिश की है कि हम अपने हर गेस्ट को बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। बाकी आप एक बार विज़िट करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि हमारा होम स्टे डॉर्मेट्री किस तरीके से हमने मैनेज किया हुआ है। एक चीज़ और बता दूं, इस हॉस्टल के अलावा भी मैंने बाकी जो हॉस्टल हैं दिल्ली के वो कवर कर रखे हैं, वो सारे की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फ्लाई विद अंकित व्लॉग्स नाम से मेरा वहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल है। और अगर कोई मेरी वीडियो देख के आ रहा है तो प्लीज़ सर को एक बार बताएं कि हम वीडियो देख के आए। ठीक है, बाय गाइस। ओके, बाय बाय।